हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ क्रोशिया डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन से आप ब्लैंकेट बना सकते हैं, श्रग बना सकते हैं, या फिर जैकेट बना सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट आपको जितना लंबा चौड़ा बनाना है उसी के हिसाब से आपको चैन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मफलर के लिए यह डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए 41 चेन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले नॉट लगा लेंगे ऐसे, उसके बाद 41 चेन बना लेंगे। 41 देखिए, 41 चेन बना लिए। अब उसके बाद देखिए, हमें चार चेन और बनाना है। 1, 2, 3, 4 देखिए, चार चेन बना लिए। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, धागा को क्रोशिया पे दो बार लपेटेंगे ऐसे। दो बार लपेटने के बाद यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद देखिए, पांचवें चेन से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 1, 2, 3, 4 ये 5, यहाँ से देखिए ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से इसके बाद फिर से क्रोशिया पे धागा को दो बार लपेटेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे हो गया। फिर से 1, 2 दो बार लपेटने के बाद यहीं से दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ऐसे हमें एक ही चेन में से 5 बार बनाना है। देखिए, दो बार बना चुके हैं, 3 बार और बनाएंगे। देखिए 4 हुआ। इस तरीके से 2, 4, 5 बन गया। अब देखिए क्या करना है। 1, 2 दो बार क्रोशिया धागा लपेटने के बाद, अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में से यहाँ से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ऐसे देखिए, इस तरीके से बन गया। अब उसके बाद फिर से दो बार लपेटेंगे धागा को क्रोशिया पे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ेंगे और इसमें से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे।
ऐसे हो गया। फिर से देखिए, एक दो, दो बार लपेट लिए, उसके बाद एक चेन छोड़ेंगे, दूसरे चेन में से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में से ऐसे देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही हमें सात बनाने हैं। देखिए तीन बना लिए हैं, चार और बनाएंगे। एक चेन छोड़ेंगे यहाँ से, एक चेन छोड़ के दूसरे चेन से ऐसे बनाएंगे। ये कितना बनाया, तीन तीन छः। अभी एक और बनाना है। देखिए ऐसे सात बन गया। यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बना लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, एक बार और बनाएंगे ऐसे धागा को। दो बार क्रोशे पर लपेटने के बाद यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में से ऐसे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हो गया। अब एक दो, दो बार लपेटने के बाद इस बार देखिए हमें क्या करना है, ये जो नेक्स्ट चेन है, इसके बाद वाला चेन है, इसमें से हम ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ से फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे एक ही चेन में से पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, वैसे ही यहाँ से हमें पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक ही चेन से पांच बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो, चार, ये देखिए पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक दो, दो बार क्रोशिया पे धागा लपेट लिए, उसके बाद नेक्स्ट चेन में से देखिए यहाँ से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही चेन में से हमें पांच बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है।
दो, तीन, देखिए चार हुआ ये, इसके बाद लास्ट पांचवा बनाएंगे। देखिए टोटल 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, 5 ट्रिपल क्रोशिया एक चेन से, 5 ट्रिपल क्रोशिया एक चेन से, टोटल 10 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब देखिए दो बार धागा को लपेटेंगे क्रोशिया पे, उसके बाद इसके अगले चेन में से यहाँ से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है ऐसे। इस तरीके से देखिए ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखिए एक दो धागा को दो बार क्रोशिया पर लपेटेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर से देखिए धागा को दो बार क्रोशिया पर लपेटने के बाद एक चेन स्किप करेंगे, दूसरे चेन में से एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। देखिए जैसे यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो, एक चेन छोड़ के दूसरे चेन से ऐसे। एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में से यहाँ से ये देखिए 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब एक और बना लेंगे यहाँ से। देखिए एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में से यहाँ से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे अब उसके बाद एक दो, दो बार डबल क्रोशिया पर लपेटने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बनाए हैं वैसे ही हमें अब बनाना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है और 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही चेन में से बनाएंगे। ये देखिए एक बना लिए, दो, तीन,
चार पाँच, देखिए पांच चेन बना लिए, सॉरी पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्रोशिया जो है यहाँ से, देखिए यहाँ से बनाएंगे, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ से चार चेन बनाया था, तो यहाँ पे टोटल अगर काउंट करेंगे, देखिए कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो यहाँ पे भी हमें सात चाहिए। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः हुआ, और यहाँ से एक लेना है हमें सात। ऐसे देखिए ऐसे हो गया। उसके बाद एक चेन बना लेंगे, देखिए अब यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें सेकेंड रो में क्या करना है, ऐसे दूसरे पॉइंट से इसको छोड़ देंगे, यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। देखिए ऐसे ही हमें पूरा यहाँ तक बना लेना है, तो चलिए ऐसे ही पूरा बना लेते हैं। Thank you.
ये देखिए सात बना लिए। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे ऐसे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से जो है हमारी डिजाइन रीस्टार्ट होगी। तो उसके लिए तीन चेन और बना लेंगे, एक दो तीन। देखिए तीन चेन बना लिए, एक चेन पहले से था हमारा। अब क्या करेंगे, धागा को क्रोशिया पे दो बार लपेटेंगे, एक दो। देखिए दो बार लपेट लिए और यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे बना लिए। उसके बाद धागा क्रोशिया पे दो बार लपेटेंगे ऐसे और यहाँ से पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक बना लिए, दो, तीन, चार। देखिए चार हो गया, पांच। देखिए पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लिए एक ही चेन में से। अब उसके बाद अब देखिए हमें नेक्स्ट चेन में से एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है यहाँ से। इस तरीके से अब हमें देखिए जैसे यहाँ पे सात ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही हमें यहाँ बनाना है। तो धागा को क्रोशिया पे दो बार लपेट लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए एक चेन स्किप करेंगे, देखिए इसको स्किप करेंगे यहाँ से ऐसे। एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से धागा को क्रोशिया दो बार लपेटेंगे, एक स्किप करेंगे, दूसरे में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक स्किप करेंगे, दूसरे में से ऐसे बना लेंगे। इसको छोड़ के यहाँ से ऐसे बनाएंगे। उसके बाद इसे छोड़ के यहाँ से देखिए ऐसे बना लेंगे। फिर इसे छोड़ के यहाँ से ऐसे। कितना बना हमारा देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बन गया। अब आठवां बनाएंगे, देखिए इसे छोड़ के यहाँ से ऐसे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। टोटल हमारा आठ हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखिए एक दो, दो बार क्रोशिया के धागे पर लपेटेंगे और यहाँ से हमें पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। दो, तीन,
तीन, देखिए चार बनाए, के बाद ये पांचवा बना लिए। देखिए इसके शेड में आया है बिल्कुल। अब इसके बाद धागा को दो बार क्रोशिया लपेटने के बाद यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, के चार, पांच। देखिए पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से देखिए एक यहाँ से बना लेंगे, उसके बाद एक चेन स्किप करके दूसरे चेन से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो बार धागा को क्रोशिया पर लपेटने के बाद इस चेन को छोड़ के यहाँ से ऐसे बना लेंगे। एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में से देखिए, फिर एक चेन छोड़ के दूसरे में से एक ट्रिपल क्रोशिया, बना लेना है। एक चेन स्किप करेंगे दूसरे में से, बना लेना है। नेक्स्ट देखिए एक चेन छोड़ के दूसरे में से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। देखिए यहाँ पे कितना बनाए, पांच बनाए हैं, एक दो तीन चार पांच बनाए हैं। छोड़ के दूसरे में से ये छः, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया। अब इसके बाद देखिए एक दो, अब यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से ऐसे देखिए पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। दो, तीन, चार हुआ, पांच। देखिए दो चार एक पाँच। अब यहाँ से एक बना लेंगे, ऐसे। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ से एक बनाए हैं वैसे ही एक और बना लेंगे। यहाँ से ऐसे तरीके से
अब देखिए जैसे यहाँ पे हम मेरा 7 था, 5 इसमें से बनाया है, 6, 7 वैसे ही यहाँ पे है, 2, 4, 6, 7 हो गया। और यहाँ पे आप काउंट अगर करेंगे तो ये जो 5 चेन बनाए थे इसे छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉरी यहाँ से हमें गिनना था। अब वैसे ही यहाँ पे देखिए, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से जो बनाए हैं 9 ये। अब देखिए हमें यहाँ पे एक चेन बनाना है ऐसे, और ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद 4th रो में भी हमें वही प्रोसेस अपनाना है, हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से इसको छोड़ देंगे, इसमें से ऐसे, देखिए ऐसे हमें ये पूरे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है यहाँ तक। देखिए ये रॉन्ग साइड से कुछ ऐसा दिखता है। अब उसके बाद यहाँ से हमें नहीं बनाना है, इसे छोड़ देना है। एक चेन बनाएंगे और यहाँ से टर्न कर लेंगे। देखिए टर्न करने के बाद 5th रो में भी हमें फिर से वही प्रोसेस अपनाना है, ये जो डिज़ाइन है रीस्टार्ट हमें करना है। देखिए 4th रो तक बना लिए हैं, अब हमें जितने की आवश्यकता है उतना और भी बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि
मेरी इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।